आज मैं आपके साथ आंवले के अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही टेस्टी होता है, साथ ही साथ हेल्दी भी होता है और कच्चे आंवले से हम फटाफट से अचार बना के तैयार कर सकते हैं। इसका अचार बनाने के लिए आपको आंवले ले लेने हैं और इनको अच्छे से वॉश करके और पोंछ लेना है, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमें इसे कट कर लेना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बारीक बारीक या फिर बड़े बड़े पीस में इसे कट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको सारे आंवले कट करके और तैयार कर लेने हैं। अभी देख सकते हैं सारे आंवले कट हो गए हैं। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज्यादा बना सकते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा भी अचार बना के आप तैयार करके रख सकते हैं। यहाँ पे लगभग 500 ग्राम आंवले लिए थे मैंने, तो सबको कट कर लिया था। फटाफट से इसका मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए यहाँ पे गैस पर एक पैन चढ़ा लेंगे। इसमें डाल देंगे 2 चम्मच सौंफ और इसी के साथ में डाल देंगे 2 चम्मच राई। अगर आपके पास राई की दाल है या फिर पीली वाली जो सरसों होती है वो है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 छोटी चम्मच राई ले ली है। 1 चम्मच डाल दिया इसमें जीरा और इसी के साथ में थोड़े से डाल देंगे मेथी दाने, लगभग 1 छोटी चम्मच। और इन सब मसालों को बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा हमें रोस्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भुनना है, बस हल्का सा इनका कच्चापन दूर हो जाए और मॉइस्चर खत्म हो जाए इतना हमें रोस्ट करके और इसे दरदरा सा पीस लेना है। ठंडा करने के बाद दरदरा सा पीस लेंगे और जो हमने आंवले कट करके रखे हैं उनके ऊपर सारा मसाला इस तरह से डाल देंगे। और इसके बाद में हम दूसरे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे डाल दिए 1 से 2 चम्मच हल्दी पाउडर और अब डाल देंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर मैंने लगभग 3 चम्मच डाला था और इसके साथ ही डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो 2 से 3 चम्मच ही डाल दिया है नमक। 1/2 चम्मच डाल दिया है बारीक पिसी हुई हींग। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे और इसमें 1 चम्मच के करीब मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया था। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप कलर अच्छा चाहते हैं अचार का तो मिर्च ऐड कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च ये तीखी नहीं होती है लेकिन कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है। इसके बाद हम इसे एक बार सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें तेल ऐड करेंगे। तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, सरसों का, मूंगफली का या फिर रिफाइंड ऑयल। यहाँ पे मैंने जो सोयाबीन का रिफाइंड ऑयल होता है वही लिया है। इसको पहले हल्का सा गर्म करके और ठंडा कर लिया था। जब भी आप अचार के अंदर तेल डालते हैं तो तेल को अच्छे से पहले गर्म करके और ठंडा कर लेना है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आने तक। और उसके बाद हम इसमें तेल मिक्स कर देंगे। पहले आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, अगर आपको और ज़रूरत लगती है तो तेल बाद में और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा तेल मैंने और इसमें ऐड कर दिया था। तो इसी तरीके से आंवले का अचार फटाफट से बनके तैयार हो जाता है। अभी देख सकते हैं आंवले का अचार बिल्कुल रेडी हो गया है। 1 से 2 दिन तक इसको इसी तरह से मिक्स करके और रख देंगे ना, तो जो भी मसाले वो अच्छे से गल जाएंगे और आंवले का अचार खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इंस्टेंट तरीके से आंवले का अचार बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है टेस्ट वाइज और साथ ही साथ हेल्दी भी होता है। विटामिन सी से भरपूर होते हैं आंवले, तो जब भी आपका आंवले का अचार खाने का मन करे आप इस तरीके से आंवले का अचार बना सकते हैं। और ये मैंने कच्चे ही आंवले यूज़ किए थे। वैसे आंवले का अचार काफ़ी अलग अलग तरीके से भी बनता है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं दूसरा तरीका भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी ये अचार बन के तैयार हो गया है। आप इसे किसी भी कांच के जार में भर के और स्टोर कर सकते हैं। 2 से 3 महीने 4 महीने या फिर साल भर तक भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता ये। बस आपको इसको भर लेने के बाद में जिस भी भरनी में आप भरें उसके बाद में थोड़ा सा तेल और ऊपर से ऐड कर दें ताकि आगे जाके इसमें फफूंद वगैरह आने का चांस ना हो। तो जो अचार रहता है उसके ऊपर थोड़ी सी तेल की लेयर होनी चाहिए। तो इसी तरीके से आप आंवले का अचार बना सकते हैं बहुत ईजीली। आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।